हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियलमी 8 फोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा है रियलमी 8 5G। तो देखिए, ये रियलमी 8 मेरा 5G फोन है और इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको जो है, जैसे दूसरे फोनों में तो एक अलग से ऑप्शन दिया गया होता है कि वहां पर जाकर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने जो है ये, आप इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो ये आपको मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, ये आ गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। अब हम करेंगे इस पे क्लिक। अब देखिए, पहली बार हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये इसलिए ये आ गया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलेंगे और इसको टैप करके रखेंगे तो देखिए, यहाँ पर ये इसकी सेटिंग ऑन हो गई है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। तो जो भी मोबाइल में साउंड होगी वो इसमें रिकॉर्ड होगी। यहाँ से आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं और अगर आपको साउंड रखनी है तो यहाँ से ऑन कर दीजिए इसे। तो यहाँ पर ये कहता है डोंट आस्क अगेन, तो इसे ओके कर देंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड। तो यहाँ पर जो भी आप माइक वगैरह कनेक्ट करेंगे तो आपको उसकी साउंड मिलेगी। तो यहाँ से ये दो ऑप्शन हो गए। अब आ जाता है डिस्प्ले वीडियो रेजोल्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो की रेजोल्यूशन दे रखे है इन्होंने, तो ये मीडियम है, लो है, कस्टम पे आप अपने आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसे। आप इसको हाई पे ही रखें तो ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा आपको। तो ये हमने कर दिया हाई पे। अब यहाँ पर ये दोस्तों फ्रेम रेट आ गया है। फ्रेम रेट में दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर डायनामिक पे हो रहा है। इसमें आप 30 FPS, 24 FPS और 15 FPS भी कर सकते हैं। तो डायनेमिक जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है फ्रेम रेट को, तो आप डायनेमिक पे ही रखेंगे। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों ये फ्रंट कैमरा का भी इन्होंने ऑप्शन दिया है। देखिए, रिकॉर्ड वीडियो विद द फ्रंट कैमरा व्हेन टेकिंग अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप अपना फ्रंट कैमरा भी कर सकते हैं ऑन। इसमें ये भी ऑप्शन आया है रियलमी 8 में। और दोस्तों यहाँ पर है शो स्क्रीन टच। तो दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो वहां पर वो हल्का सा जो आपको टच करता हुआ महसूस होगा, तो ये आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इसके मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूं करके। तो अब हमने चल दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। अब ये कह रहा है वाइल यूजिंग द ऐप, तो हम कर देंगे इसे ओके और इसे परमिशन देनी पड़ेगी दो तीन। अब दोस्तों देखिए, यहां से ये स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन यहां पर आ चुका है। अब जैसे ही हम ये रेड जो डॉट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये अब आप जो भी स्क्रीन पे आप करेंगे एक्टिविटी, तो वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ से मैं पिक्सल लैब पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, ये पिक्सल लैब खुल गया है। यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो ये भी यहाँ पर शो होगा कि कहाँ कहाँ मैंने टच करा है। तो चलिए, अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम करके देखते हैं। तो यहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम कर देंगे बंद और देखिए, ये आ गई हमारी फाइल। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं यहां से। तो देखिए दोस्तों, ये यहां से प्ले होना शुरू हो गया और जहां जहां मैंने टच करा है वहां पर ये दिखा रहा है टच करके, हल्का सा आपको वो दिख रहा है इसका। ये देखिए, पिक्सल लैब पे मैंने क्लिक करा, अब ये कैंसिल पे यहां पर टच होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये स्क्रीन रिकॉर्डर हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।